हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और गाइस, सुबह के बजे हैं 8:30 हुए हैं और देख सकते हैं आप मौसम कैसा है यहाँ पे। बहुत अच्छा हो रखा है। और मैंने ना रात को बालों में बहुत सारा तेल लगाया था और पिछले कल से इतने ड्रामे हो रहे हैं हमारे यहाँ की। लाइट आ रही है जा रही है और सुबह सुबह लाइट चली गई है और मैंने नहाना था तो अब समझ नहीं आ रहा कैसे नहाऊं। तो इसलिए मम्मी चूल्हा बना रहे हैं, तो आग जलाएंगे, फिर आग से करेंगे पानी गर्म आज बहुत टाइम बाद। फिर उसके बाद नहाऊंगी मैं, फ्रेश होंगी। और जैसा कि आपको पता ही है आज 1:30 बजे के बाद है रक्षाबंधन, तो 1:30 बजे के बाद मनाएंगे हम राखी और दीदी वगैरह भी आएंगे दिन में। गुड मॉर्निंग लक्ष, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। सो गाइज, फिलहाल तो अभी नहाना है, चूल्हा बनाना है मम्मी के साथ। सो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे। सो गाइज, अभी चूल्हा बना रहे हैं। सो दोस्तों, चूल्हा बना दिया है यहाँ पानी गर्म करने के लिए। नीचे गीला था तो हमने ये सूखी मिट्टी बिछा दिया यहाँ पे। नक्ष, आप क्या कर रहे हो यहाँ? आग सेक रहे हो? आग सेक रहा। चलो ताए जाओ देवा। कौन सा देवता है भाऊ? शनि देवता। शनि देवता है? जय हो देवा। इसका नाम क्या है? पता ही नहीं है आपको? पता है इसका नाम? तब कैसे उठाया हुआ देवता तुम लोगों ने? तुम लोगों की आज राखी कौन बांधेगा? आपकी बहन कौन है? ओजस आपकी बहन, वो बांधे। मैं लाइट नहीं है इसलिए पानी गर्म करने के लिए नया चूल्हा बनाया। तो फाइनली गाइज, मैं नहा चुकी हूँ और बहुत ज्यादा मेहनत लगी आज नहाने में। पानी गर्म करते करते अति हो गई, मेरी आग ही नहीं जल रही थी। और जैसे ही पानी गर्म कर दिया मैंने, उतने में लाइट भी आ गई। देखिए मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। और अभी फिलहाल हम नहा धो गए हैं सब, और 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाएंगे हम। और उसके बाद ही मेरी दीदी भी आएंगे। अभी फिलहाल मम्मी खीर बना रहे हैं, जो बुआ जी वगैरह आएंगे, भाई की बहन आएंगी दूसरी उनके लिए। और बस मौसम तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो रखा है, साफ नहीं है, बादल ही है। सो गाइज, मिलेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। जैसे जैसे कुछ होगा वैसे वैसे दिखाती जाऊंगी आपको मैं। सो बाय। खीर बन रही है हमारे घर में, आज बारिश लग रही है बहुत ज्यादा, तो अभी हम राखी बांधेंगे। और हेलो दीदी, हेलो मासी, इतनी सुंदर है यहाँ देख तो, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। कमजोर हो गई, कमजोर हो गई है, ऐसे सुख के कांटा बन गई है, ऐसी भैंस हो गई है। मेरे को आंटी बोल रही है, खुद आंटी है, पतली नहीं हो आंटी है, खुद मेरे को आंटी बोल रही है, शर्म नहीं इसको आती है। सो दोस्तों, तो मेरी दीदी पहुंच चुके थे 1:30 बजे के बाद, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने भैया को राखी बांधते हैं और उसके बाद जाते हैं पूरे गांव में। दोस्तों, विधि भी लक्ष नक्ष के राखी बांध रही है आज, पहली राखी है, फूल भी गए, पहली राखी है विधि की। पकड़ो पकड़ो भैया को, ये ऐसे भी पकड़ो, ऐसे पकड़ो कहो भैया की, अच्छे बड़े देखो मासी को, मासी को देखो पहले। ओ बाबा, खुश हो रही है ये दीदी, राखी आ गई भैया, खुश हो रही है। अच्छे ले भी दीदी को खिलाओ,
फाइनली गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी से हम राखी बांधना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम गांव राखी बांधने के लिए। मम्मी भी जा रहे हैं मेरे साथ और मैं भी। सो गाइस, चलते हैं और मनाते हैं रक्षाबंधन, पैसे कमा के आते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास टोटल है 12 भाई। मैं सबको बांधती हूँ, अपने बुआ के बेटे को भी, ताऊ जी के बेटे को भी, जितनी मेरी यहाँ बुआ है उनके बेटों को भी, सबको राखी बांधती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ती क्योंकि मैं अपना नुकसान खुद नहीं करती, इसलिए। तो अभी फिलहाल चले, हम मिलते हैं थोड़ी देर में पहुँचने के बाद। दोस्तों, ये है मेरी सुंदर मम्मी और उनकी सुंदर बेटी मैं। हाँ, सुंदर हूँ ना। हमारा मंदिर और सामने आप देख रहे हैं, ये है मेरे ताऊ जी का घर, ये सामने वाला घर। यहाँ जाऊंगी मैं। चला तू भी दीक्षित, चला तू भी। बुढ़ी बुआ देख सकते हैं आप मेरी, ये है मेरी बुआ। नमस्ते जी, नमस्ते। मोटा बापू है, अजी बापू, बापू बापू। हाँ, ताऊ जी के घर में बांध लिया मैंने सबके राखी। तो अब मैं जा रही हूँ बुआ जी के घर, और बुआ जी के घर में मम्मी भी मामा जी वगैरह के बांधते हैं, तो हम दोनों एक साथ बांधेंगे। तो चलिए गाइस। और ये मेरा गांव है, अभी गांव से होके जा रहे हैं हम। और हमारे गांव में ना बहुत पुराने पुराने घर भी है। ये ना मेरे साथ पढ़ती है, और देखो पट्टू बुन रही है आज, ये खतरनाक ही है। सबसे हमारे गांव की सबसे खतरनाक लड़की है, इसको सारे काम आते। फूल वाला पट्टू बुन रही है गाइस, फूलों वाला, वो भी डेंजर बंदी है। सो दोस्तों, ये मेरे बुआ जी के बेटे हैं दोनों, बुआ जी की लड़की और ये इनका लड़का। पर मुझे तो लगा ये लड़की है, मैं इसको पूछ रही थी किसकी लड़की है तू, बाद में मम्मी बोलते ये तो लड़का है। मम्मी के भाई तो कोई नहीं मिला, मेरे भाई मिले।
की भी मैंने राखी बांध ली है। अभी बचते हैं मुझे अभी भी बांधने के लिए जो घर में नहीं थे। मेरा मासी का लड़का वहाँ पे नहीं गई, मैं वहाँ पे हम शाम को जाएंगे। बाकियों के मैंने लगभग बांध दी है। और मम्मी को तो एक भी भाई नहीं मिला घर में, सब कोई नहीं था, सिर्फ अब यहाँ एक बुआ जी है, इनके घर जाके देखेंगे, वो मामा जी होंगे शायद घर में, फिर मम्मी उनके फिर मम्मी उनके बांध देंगे, फिर बाकियों को शाम को बांध देंगे। हम मम्मी के साथ जाएंगे दोबारा, और मेरी दीदी भी आएंगे इन्ना वाला जी, तभी हम बुआ जी के घर जा रहे हैं, दूसरी तीसरी बुआ जी के घर। तो चलिए बिहान, मेरी दीदी का बेटा है बिहान, क्यूट 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 क्यूट, मेरा क्यूट बा बिहान है, ये क्यूट बिहान है ना, है ना मौसी, है ना मौसी, क्यूट बिहान है, मैं क्यूट बिहान क्यूट। तो दोस्तों सबसे लास्ट में आती है मेरी दीदी की लड़की दृष्टि लक्ष्मी को राखी बांधने, और इसी के साथ होता है हमारा इस साल का रक्षाबंधन खत्म। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।